नमस्कार दोस्तों, साथी रिसर्च चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आजकल के ज्यादातर से युवा पीढ़ी हस्तमैथुन जैसी समस्याओं से काफी पीड़ित है और ये हालांकि ये हमारी सेहत के लिए काफी नुकसानदायक भी होता है, लेकिन दोस्तों अगर हस्तमैथुन की इच्छा होने पर इसे दबा देने पे ये काफी ज्यादा भी और नुकसानदायक होता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि हस्तमैथुन करने के फायदे के बारे में, कि हस्तमैथुन करने से क्या क्या फायदे होते हैं और हमें हस्तमैथुन कितने महीने में कितनी बार करना चाहिए, यानी हफ्ते में महीने में कितनी बार हमको करना चाहिए जिससे हमारा सेहत पे कोई बुरा असर ना पड़े और जब बल्कि हमें नुकसान ना पहुंचाकर हमारे शरीर को स्वस्थ बनाए रखने में काफ़ी मदद करे। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि हस्तमैथुन के क्या फायदे हैं। दरअसल दोस्तों हस्तमैथुन की इच्छा होने पर अगर आपको हस्तमैथुन की इच्छा होती है तो उसे बिल्कुल ना दबाएं। ऐसे समय में आपको हस्तमैथुन कर लेना चाहिए। इससे आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस होगा, आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी। अगर रात के समय में ऐसी समस्या होती है हस्तमैथुन की, अगर आप सोने के समय अगर आपके मन में ये इच्छा आती है हस्तमैथुन करने की, अगर उस इच्छा को आप दबाते हैं तो ऐसे में आपको नींद नहीं आती है। और रात में क्या होता है कि जब आप सोते हो तो ऐसे में दोस्तों आपको उसी से रिलेटिव कुछ ऐसे स्वप्न आते हैं जिनके वजह से ऑटोमेटिक नाइट फॉल जैसी समस्या हो जाती है, जो कि काफ़ी दिक्कत हो सकता है इससे। तो ऐसे में दोस्तों अगर आपको हस्तमैथुन की इच्छा जगे, आपको हस्तमैथुन करने का मन करे तो ऐसे में आपको हस्तमैथुन कर लेना चाहिए। इससे आपको आपको काफ़ी रिलैक्स महसूस करेंगे और आपको तनाव से मुक्ति मिलेगी और आपको नींद भी काफ़ी अच्छी आएगी। और इसी के साथ साथ दोस्तों अगर बात करें हस्तमैथुन की, तो दोस्तों अगर हस्तमैथुन अगर आप हफ्ते में 2 से 3 बार करते हैं तो इससे आपके शरीर पे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, बल्कि आपके शरीर को काफ़ी अच्छा महसूस होता है, यानी आप अपने आप को तनाव से मुक्त पाते हैं। उसी के साथ 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 दोस्तों बात करें, अगर रेगुलर आप हस्तमैथुन करते हैं, प्रतिदिन हस्तमैथुन करते हैं, तो इससे आपको नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों आप कोशिश करें, अगर आप हस्तमैथुन को ना छोड़ सकते हैं तो ऐसे में आप दोस्तों कोशिश करें कि हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार ही हस्तमैथुन करें। इतना तो दोस्तों आप आसानी से आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो। अगर दोस्तों अगर आप हस्तमैथुन आज करते हो तो आप अपने मन में एक इच्छा लीजिए कि मैं 2 दिनों तक हस्तमैथुन बिल्कुल नहीं करूँगा। तो ऐसे में दोस्तों अगर आप एक आज करते हो और 2 दिनों बाद फिर दोबारा हस्तमैथुन करते हो तो ऐसे में दोस्तों आपको हफ्ते में 2 दिन 3 दिन आपका चला जाता है, यानी 4th दिन चला जाता है। वैसे में दोस्तों 1 दिन अब फिर 2 दिन बाद आप 2 दिन तक फिर संकल्प लेकर करते हो कि अब नहीं करूंगा, 2 दिन बाद ही करूंगा, तो ऐसे में दोस्तों आप हफ्ते में 3 बार हस्तमैथुन करते हो। तो इससे क्या होता है दोस्तों कि आपके शरीर पे कम इफेक्ट पड़ता है, आपका पाचन तंत्र उतनी तेजी से नहीं खराब होता है जितना कि आप रेगुलर हस्तमैथुन करते हो। इससे आपका पाचन तंत्र ठीक से काम नहीं कर पाता है। सबसे ज्यादा दोस्तों आपके पाचन को हस्तमैथुन खराब करता है। तो इसलिए दोस्तों आप आज से संकल्प लीजिए कि हम हस्तमैथुन करेंगे। अगर हम हस्तमैथुन नहीं छोड़ पाते हैं तो हस्तमैथुन करेंगे, लेकिन हफ्ते में 2 बार या 1 बार ही करेंगे। ये तो दोस्तों आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं, इतना तो आप कंट्रोल कर ही सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपसे कह दिया जाए कि आप हस्तमैथुन करना बिल्कुल ही छोड़ दें तो ये दोस्तों आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोस्तों इसकी आपको आदत लग गई है। और ऐसे में दोस्तों आपको बार बार इच्छा जगेगी हस्तमैथुन की, तो उनको आप दबाते हैं तो इससे आपको दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों आप हस्तमैथुन की इच्छा को ना दबाएं। तो ऐसे में दोस्तों आपको कंट्रोल और यानी नियंत्रण करने में काफ़ी दिक्कत होगी। आपको तो हस्तमैथुन की इच्छा जरूरी होगी क्योंकि आप तो रेगुलर हस्तमैथुन करते हैं। तो ऐसे में दोस्तों आप अपने आप को काफ़ी बिजी यानी व्यस्त रखें। और दोस्तों समय से पहले अगर आपको नींद नहीं आती है रात में तो बिल्कुल ना सोएं। जब तक आपको अच्छी से नींद ना आने लगे कि आपको अब नींद आ रही है, उस समय ही सोने की कोशिश करें। इसके बाद दोस्तों आप सोने से पहले हाथ पैर अच्छे से धुल लें। और दोस्तों उसके साथ साथ दोस्तों अगर जिन लोगों को उसके बाद भी नींद नहीं आती है तो उनको रेगुलर शाम को व्यायाम करना चाहिए, यानी योगा करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे उनके शरीर को काफ़ी थकावट हो जाएगा और वो अच्छी नींद ले लेंगे। ऐसे में करके दोस्तों आप धीरे धीरे हस्तमैथुन से आप बच भी सकते हैं। और हस्तमैथुन के फायदे के बारे में तो आप जान ही रहे हैं कि हस्तमैथुन अगर तरीके से किया जाए तो ये आपके लिए बिल्कुल ही नुकसानदायक नहीं होता। इसके फायदे हो सकते हैं लेकिन नुकसान नहीं होंगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप स्वस्थ हों। अगर दोस्तों हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि दोस्तों हम हमारे चैनल पर हेल्थ से संबंधित सारी जानकारियाँ देते हैं।